उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े बड़े कारनामे देखने और सुनने को मिलते हैं। आए दिन अपने कारनामों से ही पुलिस चर्चा का विषय बनी रहती है। ऐसा ही एक मामला अमेठी जनपद के संग्रामपुर थाना क्षेत्र की रिपोर्टिंग चौकी टीकर माफी से प्रकाश में आया, जहां पर एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाला आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस पहले तो लड़की के ही पिता से 10,000 लेकर मुंबई जाती है, जहां से नाबालिग एवं आरोपी दोनों को पकड़कर पुलिस अमेठी लेकर आती है। ऐसे में पीड़ित ने बताया कि वहां से लाने के बाद पुलिस ने 10 से 12 दिन थाने में रखा और इसके बाद कल पुलिस के द्वारा 164 के बयान हेतु लड़की को लेकर सुल्तानपुर गए, जहां से वापस आने के बाद आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस के द्वारा लगातार सच्चाई को दबाने की कोशिश के साथ साथ इस प्रकार की घटना से इनकार किया जा रहा है, लेकिन नाबालिग के पिता के द्वारा दरोगा से बात करते हुए का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। कि 3 अप्रैल को भाग गई थी, भगा लिए गए। उसके बाद कुछ दिन मतलब हेरे ढूंढे नहीं पकड़े, मैंने FIR दर्ज किया। फिर कुछ दिन हेरे ढूंढे नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर हमसे खर्चे लिए बम्बई जाने के लिए। कौन लिया खर्चा आपसे? दरोगा जी। जी, चौकी इंचार्ज जी। मुंबई जाने के लिए 10,000 रुपया खर्चा लिए गए, वहाँ से गिरफ्तारी करके लाए जी, और 11-12 दिन थाने में रखे थे जी। तो वहाँ से कल जो है सुल्तानपुर गए बयान पे जी। बयान पे गए तो वहाँ से लौट के आए तो हमको बोले तुम्हारी तरफ लड़की तुम्हारी तरफ गलत बोली है जी। तो आज हमको बुलाया गया थाने, सवेरे गए वहाँ पर लिखा पढ़ी हो रहा था, इतने में मुलजिम भाग गया था। थाने से भाग गया मुलजिम? हाँ, थाने से मुलजिम भाग गया था। क्या बोले? तो बोले जाओ अब घर, मुलजिम पकड़ेंगे तो हम बताएंगे, और ये बात को किसी से बताना नहीं जी। किसी से बताना नहीं, और कोई बात हो तो हमको बता देना। और क्या क्या चाहते हैं आप? हमारे साथ इंसाफ हो चाहिए। लोकेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। लोकेश, पुलिस की इस तरह का आचरण, जहां पर किसी की मदद करने के बजाय पूरी जो स्थिति है उसको और ज़्यादा उलझा देना और आरोपियों का साथ देना, क्या कुछ अपडेट देंगे इसके बारे में? जी हिना, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पुलिस के इस तरह के कारनामे बीच बीच में उजागर होते रहते हैं, ऐसा ही यह कारनामा जो है अमेठी जिले की संग्रामपुर पुलिस के द्वारा दिखाया गया है, जहां पर पुलिस के द्वारा जो आरोपी पकड़ के लाया गया था, जो जो है एक नाबालिग लड़की को लेकर वो भागा था अप्रैल में, उसके नाबालिग लड़की के पिता के द्वारा तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज कराया गया, उसके बाद वो पता लगा कि वो बॉम्बे में रहता है, पुलिस के द्वारा बॉम्बे जाया गया, जबकि उस लड़की के पिता से 10,000 रुपए वो बताता है, 10,000 रुपए लेकर पुलिस गई थी और उसके मदद करने के बजाय उसको शोषण कर रही थी, और वहां से आरोपी को और लड़की को लेकर आया गया 164 बयान के। कल फिलहाल जो है वो आरोपी वहां से फरार हो निकला, थाने से ही पुलिस अभिरक्षा से वो भाग निकला। ऐसे में पुलिस उसको छुपाने में लगी हुई है, दबाने में लगी हुई है, वो पुलिस लगातार इस बात को से मनाही कर रही है कि नहीं, ऐसा कोई भी जो है कोई भगा नहीं है, कोई मुजरिम नहीं भगा है, लेकिन जो उस लड़की के पिता है उस पर भी दबाव डाल रही है कि तुम किसी से मुंह मत खोलना, और जो है 10-12 दिन से, जबकि 24 घंटा से अधिक किसी को भी पुलिस अभिरक्षा में इस तरह से रखा नहीं जा सकता, 10 दिन से अगर इस तरह से रखा है तो वो भी गलत, लगातार गलत पर गलत करती जा रही है। अंत में उसके पिता को यह बताया जाता है तुम्हारी लड़की ही गलत थी, इस गलत है, और कहीं ना कहीं मामले को जो है मैनेज करने का प्रयास किया जाता है, जो कि बेहद शर्मनाक है। किसी पीड़ित को इस तरह से जो है इंसाफ देने के बजाय पुलिस के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाना बेहद शर्मनाक। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब जो है पुलिस उस आरोपी को, जो नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोपी है, उसको कब पकड़ कर लाती है और कैसे इसको न्याय दिलाती है, ये तो पुलिस ही बता सकती है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।